Assalamu alaikum. My name is Mehra Fakhat and my roll number is 1A374. I present Java program to display the following output using loop. हमारे पास यहाँ पे ये हमने आउटपुट प्रिंट आउट करवानी है. उसके लिए हमने यहाँ पे नोटपैड पे एक प्रोग्राम रीड आउट राइट किया है. सबसे पहले तो हम इस पब्लिक क्लास बना लेंगे ग्लोबल मेंबर्स के नाम से. उसके बाद हम इसका मेन मेथड देंगे, देन उसकी बॉडी. इसमें हमारे पास जो यूज हुई है वो नेस्टेड फॉर लूप यूज हुई है. जैसे हमारे पास क्वेश्चन में है कि हमने लूप के थ्रू उसकी आउटपुट प्रिंट आउट करवानी है, तो यहाँ पर मैंने इंटीजर साइन किया. उसके बाद यहाँ पर लूप लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे. कंडीशन के बाद आउटर लूप में जो कंडीशन लगे उसके बाद इनर लूप भी यूज होगा. हमारे पास जो है आउटर लूप यूज होता है रोज के लिए, इनर लूप जो है वो कॉलम्स के लिए यूज करते हैं. उसके बाद इनर लूप में हमने कंडीशन लगाई है, उसके बाद उसमें एक और कंडीशन लगेगी. इफ जब 7 को जे कंपेयर कर जाएगा तो वो ब्रेक करके सिस्टम प्रिंट आउट करवा देगा जे. उसके बाद इनर लूप में अगेन इनर लूप फिर यूज किया, उसमें हमने कंडीशन लगाई है, देन उसको सिस्टम को प्रिंट आउट हमने करवा दिया. उसके बाद देन फिर एक लूप चलेगी कंडीशन लगा के, और उसके बाद हमने उसका सिस्टम जब प्रिंट आउट करवा दिया है, उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास आउटर लूप थी वो चलेगी, उसका हम सिस्टम प्रिंट करवाएंगे स्लैश एन के साथ. उसके बाद यहाँ पे हम इसकी आउटपुट देखते हैं. यहाँ मैंने एक फोल्डर में है बी एस सी एस सिक्स इवनिंग बी का, यहाँ पे मैंने उसका ग्लोबल मेंबर्स के नाम से सेव किया. सी एम बी लिखेंगे हम, एंटर करेंगे जावा सी ग्लोबल मेंबर्स जावा. यहाँ पे हमने जो क्लास का नेम लिखा है वही लिखेंगे, देन ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा. देन ये हमारा आउटपुट.